जब अब आइसक्रीम आएगा तो लाइक ना अभी हम मजा आ रहा है। होटल में ब्रह्मकुंड जाके आपसे मिलते हैं फिर के बाद आएगा। तो राइट नाउ अभी हम बिहार शरीफ में हैं, टाइम यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद आएगा नालंदा विश्वविद्यालय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, अभी रास्ते में है। राजगीर से अराउंड 10 रुपीज लगता है जाने में, लाए लग रहा है ये राजगीर में ही है, 2-3 किलोमीटर पे होगा, जाके देखते हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्या हुआ है, देख लीजिए पूरा तालाब तालाब बना हुआ है हर जगह। ये हमारे साथ मेरा 10th क्लास का दोस्त ऋतिक, जाके देखते हैं। अभी हम लोग जिस विद्यालय में जा रहे हैं वो वर्ल्ड का पहला विश्वविद्यालय जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी शुरू था, आगे वहाँ जाके आपको स्टोरी बताएंगे। ये नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय भारत ही नहीं पूरे विश्व का ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, जिसको खिलजी ने जला दिया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे 6 महीने तक यहाँ की किताबें जलती रह गई थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह नहीं जली थी। उसी विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में ही रिनोवेट किया है। हम लोग वही न्यू कैंपस देखने गए थे, पर विदाउट एडमिशन आप इस कैंपस में नहीं जा सकते हैं। तो मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, बट स्टिल अभी कॉल लेटर नहीं आया है। तो कभी और आपको हम इस कैंपस का ब्लॉग दिखा देंगे, तब तक के लिए आप राजगीर घूमिए। तो अरे हम लोग जा रहे हैं सामने से बड़ा हल्का ऊपर करके दिखा देंगे तागा। इधर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह, बारिश हो रहा है। छाता लेके आना था पर भूल गए। राजगीर में अभी भी टांगे चलते हैं जो पहले के ज़माने में चला करते थे। तो जब भी मैं राजगीर आता हूँ तो ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होता है कि हम पुराने कल्चर को अभी फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग शांति स्तूप जा रहे हैं, उसके लिए केवल कार का टिकट ले रहे हैं। जो केवल कार के टिकट का प्राइस है वो है 120। बारिश यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आप देख सकते हैं हर कोई भींग गया है, पर सही है, कम से कम गर्मी से तो आराम है। ये लक्ष्मण झूला है और अभी ये बंद है, कुछ समय पहले ये चलता था। इसमें बैठने में बहुत मज़ा आता है, लाइक काफ़ी एडवेंचरस है। घूमने के लिए मेरा ये फेवरेट वेदर है, लाइक बारिश से थोड़ा सा परेशानी होता है बट स्टिल ये बेस्ट है। तो अभी हम लोग हैं शांति स्तूप पे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है जिस कारण से हम ये लगाए हुए हैं। ये है पीछे शांति स्तूप। शांति स्तूप को पीस पोगबा भी कहा जाता है और बेसिकली ये बौद्ध धर्म का मंदिर है। और ये आप भारत जब घूमिएगा तो आपको हर स्टेट में देखने को मिल जाएगा, लाइक मैक्सिमम स्टेट में। ये काइंड ऑफ सेल्फी स्पॉट था क्योंकि यहाँ पे सबसे सुंदर फोटो जा रहे थे। जो बैकग्राउंड है वो आप देख ही सकते हैं बादलों के साथ।
it back into the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. इतना खूबसूरत नजारा रहेगा तो आंख तो खुली की खुली रह ही जाएगी। राजगीर घूमना है तो मानसून में घूमिए, आप बादलों के ऊपर रहिएगा और इतना खूबसूरत लगता है कि लिटरली लग रहा है कि मैं कोई वेस्टर्न घाट्स में हूँ। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है तो आपको बोलबम के कवड़िया अब हर जगह दिखने शुरू हो जाएंगे। राइट नाउ अभी हम लोग शांति स्तूप पे हैं और जो बारिश है वो ख़त्म हो गया है, अदरवाइज़ थोड़ा देर पहले तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रहा था, पर ठीक है बारिश ख़त्म हो गया है और अभी जो वेदर है काफ़ी बढ़िया है। पीछे का आप नज़ारा देखिए, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सुंदर जगह पे आए हुए हैं। आए कौन है भाई? एक्चुअली बिहार में तो काफ़ी सुंदर है पर हम तो यार पूरा दुनिया घूमेगा तो हमको तो ये नॉर्मल ही लग रहा है। तो अभी हम लोग जाते हैं, वेदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पीछे शांति स्तूप है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है, पीछे आपको हिल दिख रहा होगा और उसमें बादल भी, तो बारिश के दिन में आपको इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाएगा। आप राजगीर में काफ़ी बढ़िया दिन हम लोग आए, बारिश तो हुआ शुरू में बहुत ज़्यादा लेकिन नाउ मज़ा आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा देर यहाँ पे रुके रह गए क्योंकि जो व्यू था यहाँ का वो अद्भुत था, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था। लिटरली हम लोग बादलों के ऊपर थे और बारिश का रुकने के बाद से तो मौसम एकदम पूरा सुहाना हो गया था। तो अभी हल्का सा शाम हो गया है तो हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। मेरे को जाते दिख, ये शांति स्तूप है और ये आपके सामने ये अद्भुत पेड़ दिख रहा है, ये है ट्री ऑफ मनी, जिसके पास भी पैसा नहीं होता वो यहाँ आता और वो यहाँ से पैसे निकाल लेता है जिससे उसके दुख दर्द सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ये देखिए 2 रुपये दिखा दिया अर्जुन करके, 2 रुपये है गाइस, ये आज से नहीं बहुत पहले से है, ऐसे बहुत से पेड़ हैं। वीडियो बनाते रहो आप पर देखो आपको। अरे यार सनसेट होता ना तो और ज़्यादा बढ़िया होता, रूप निकल जाता ना, सही रहता। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं राजगीर, जो शांति स्तूप का काफ़ी बढ़िया था, वेदर काफ़ी बढ़िया था। ब्रह्मकुंड जाके आपसे मिलते हैं, ट्रेन हम लोग का अराउंड रात में है तो हम लोग कुछ मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। राजगीर में बहुत से टेम्पल्स हैं, जू सफारी तो सुबह में होता है तो वो मिस करेंगे इस बार, अगली बार जब नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आएंगे तब मिलेंगे। और ये है राजगीर का मेन मंदिर। यहीं पे ब्रह्मकुंड है जहाँ पे जो भी लोग आते हैं बाहर से वो आकर के पहले इसमें ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं। जो पानी होता है ब्रह्मकुंड का वो हमेशा हल्का गर्म होता है तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है स्नान करने के बाद। एंड देन लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करते हैं। मंदिरों में ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं रहता है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कम रिकॉर्डिंग किए हैं। शाम की मंगल आरती, मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग जापानी टेंपल भी घूमने गए थे। ज़्यादा तो हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पूरे ही दिन बारिश होते रहा तो ऐसे में फ़ोन निकालना या कैमरा निकालना थोड़ा रिस्की हो सकता था, बट स्टिल जो ट्रिप था काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।